بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولأنة الله على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات التماع سورة فاتحة تمام مؤمن تمام علماء کرام مراجع اعظم تمام شہداء ملت کے لیے ہم سب و اور اور کے اجداد کے رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا इर्शाद ख़ुदावन तबारक वाली है या अयो अल्दीन आमू ए ईमान वालों यादी आम अनु कोतबली कम सयाम तुम पर रोज़ों को वाजिब करार दिया गया है कम कोतबीन अमिन कबल कुम लकुम तत्तम जिस तरह से तुमसे पहलों पर रोज़ों को वाजिब करार दिया गया था ताकि तुम तकवा इख्तियार करो कल भी कुछ हमने तोज्जो दिलाई और पहले कुछ सतूर खुतब शाबानिया की तबरुकन पढ़ देते हैं और हमने तोजह दिलाई कि यह खुतब शाबानिया रसूल अल्ला वम ने रिशात फरमाया शाबान के आखिरी जुमे में यानी माह रमज़ान से जो पहला जुमा था मौला आमिरमी सलाम ने इसे नकल फरमाया और इस खुबे को कहा जाता है ख़ुतब शाबानिया और दर हकीक़ती फीलत माह रमज़ान में और उससे रिलेटेड मौजूद पर है तो कल हमारी गुफ्तु हुई थी वह हुआ शहरुन्दी तो फ़ी है व जिल तुम फ़ी है मिन कि ये वो महीना है कि जिसमें तुम्हें दावत दी है दी गई है अल्लाह अल्लाबहाना हुआ तयाफ़त की ज़ियाफ़त की जानब जब कहा जाता है कि अल्लाह सुबहाना व ताल के हम मेहमान हैं तो आम तौर पर जहन में आता है खाने का तो ये खाना तो सब के लिए है और ये खाना सिर्फ माह रमज़ान में नहीं है अलबत इस्लामी ममालिक में खाना महंगा हो जाता है और बड़े अफ़सोस की बात है शर्म की बात है उमूा इस्लामी ममालिक जो कैफ़िया हैं वो शर्म ही के काबिल हैं कोई भी फ़ख्र के काबिल नहीं है और इस वजह से एक मैं बात कहता हूँ जो बाज़ दफ़ा बाद लोगों को ज़रा सी चोड़ी लग जाती है लेकिन वो बात सही है कि कौन सी ऐसी खसूसियत मुसलमान ममालिक है और उम्ममन मुसलमानों में नज़र आती है नज़र आने की बात हो रही है अकायद की बात नहीं हो रही अकायद कौन जा के डीपली पढ़ता है कौन सी ऐसी खसूसियत आलम इस्लाम में मुसलमानों में मुसलमान ममालिक में नज़र आती है कि किसी के वहम गुमान में भी ये आए कि वाखा हम मुसलमान हो जाएं? किस चीज़ के लिए फासिक हाकिमों को देख कर ाल को देख कर दहशतगर्दों को देख कर चीटरों को देख कर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इस वक्त हज और उम्र में सेकंड और थर्ड चलता है तकरीबन सेकंड है लेकिन अदल और इंसाफ़ और दयानत पर 84 या 76 या 74 नंबर पे आता है कुर्बानी में शायद हज के बाद नंबर वन पे हो इसी तरीके से आप देखें माह रमज़ान में लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अतल और इंसाफ और शराफत और दयानत कहाँ है नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं किस चीज़ के लिए जैसे मैंने पाकिस्तान बाज़ दफ़ा टी वी पर भी कहा कि कौन अपने घर में साढ़े बारह बजे से जूते पहन के उतार के घूमना शुरू करता है कौन है ऐसा लेकिन ऑफ़िसों में लोग साढ़े बारह बजे जूते उतार के घूमना शुरू करते हैं फिर नमाज़ पढ़ते हैं फिर खाना खाते हैं खसूसा ऑफिसर्स फिर उसके बाद असर का टाइम हो जाता है जहर के बाद खाना खाते हैं तो असर का टाइम हो जाता है असर के बाद खाना खाते हैं चाय का टाइम हो जाओ असर के बाद चाय का टाइम हो जाता है फिर जाने का टाइम हो जाता है नमाज जमात की आड़ में लोगों के काम को लेट करना हराम है खुद मेरा कारखाना हो तो मैं उसको पाँच मिनट में नमाज पढ़ के दिखाऊँगा लिहाजा जर्मनी में एक दफ़ा पाँच मुसलमान गए और जो जो भी बॉस था या मालिक था उससे कहा कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें इजाज़त दीजिए उसने कहा कितना टाइम लगेगा तो उन्होंने कहा एक घंटा तो उसने कहा सही है नमाज पढ़ें एक घंटे के पैसे कटेंगे बहुत अच्छा काम किया मैं हूं तो अपने कारखाने में खुद उसको नमाज पढ़ के दिखाऊंगा खुशन शियों को कि देखो इतनी दब इतनी जल्दी होती है नमाज और अगर कोई अहले सुन्नत होंगे वो हमारी बात को नहीं मानेंगे तो उससे भी कहूँगा जल्दी से नमाज पढ़ के दिखाओ तो पांच आदमियों में से चार ने तो मना कर दिया आखिरी वाले ने एक घंटे के पैसे कटवाने को कबूल किया लेकिन बाद में उसने कहा कि आपके में पैसे नहीं काट रहा क्योंकि आप व नमाजी थे माह रमजान में जो काम होता है इसकी खुल के मुखालफत करनी चाहिए कि ऑफिस अगर बंद हो रहे हैं फर्ज करें दो बजे किसने कहा कि दो बजे से पहले नमाज वाजिब है वाजिब की बात हो रही है टाइम होने की बात नहीं हो रही नमाज जोहर ज़वाल के बाद से लेके कब तक है असर तक अहल सुन्नत में, तो दो बजे तो असर नहीं होती अब आप तसव्वुर करेंगे दो बजे छुट्टी हो रही है साढ़े बारह बजे आप काम बंद कर रहे हैं कौन सी शराफत है कितने लोगों के काम है प्रॉब्लम्स हैं साइन है फाइलें रुकी हुई हैं क्यों क्योंकि नमाज हो रही है ये नमाज जो है नमाज नहीं है ये शैतानियत है ये काम चोरी है ये इस्लाम के नाम पर कर दी है ये नमाज नहीं है ये नमाज किसी को पढ़नी है तो माह रमजान में दो बजे तक परफेक्ट तरीके से कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ काम करे पब्लिक को सर्व करे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे फिर उसके बाद ऑफिस में या ऑफिस के बाहर पार्क में बेशक दो दो घंटे की नमाजें पढ़े दो घंटे की नमाज पढ़े बाहर, बाहर खड़ा हो लेकिन काम के दरम्यान लोगों के काम को डिस्टर्ब करके नमाज पढ़ना सुन, कोई कमाल नहीं है तो ये चीजें वाजे होनी चाहिए और यहां पर भी ये चीजें ऑफिस वगैरह में कि नमाज को जिल्लत का सबब नहीं बनाना चाहिए इसी तरीके से हमेशा मैं तोजह दिलाता हूं कहीं पर भी वजू करने आप जाए तो खसूसा हमारे बरदरान अहले सुन्नत जो हैं, अब तब में नहीं कह रहे वो किस कोई अगर उनको इजाजत देते वज़ू करने की तो फिर बुरा हाल कर देते हैं उस जगह का अब क्या होगा अगला आदमी अगर कभी इजाज़ माएगा तो नहीं देंगे वो तो कहीं भी अगर आप वजू के लिए किसी से इजाज़त लें खुद हमारी रविश ये है कि मिसाल के तौर पर एक दफ़ा हम फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे तो बाद में एक मोटल था तो उससे हमने कहा कि हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसने कहा पढ़ लें उस वक्त नाश्ता नहीं लगा था तो उसने उसी उसमें कहा जो डाइनिंग रूम होता है कि अभी तो छः बजे से होगा नाश्ता पढ़ लें नमाज़ तो पहले बेटी को कराया हमारी मिसज़ ने वज़ू वग़ैरह और मैंने कहा कि आखिर में ज़ाहिर में तो ख़्वीन को ही नहीं जा सकता था कि पहले, फिर आखिर में खुद वजू करें और उसके बाद पूरा जो भी मिरर है और वॉश बेसन है और ज़मीन है उसको पूरा साफ करें ताकि इस आदमी को जो इस पर ड्यूटी पे है ये उसकी एक काम बढ़ ना जाए कि जब वो देखे जाके बाथरूम में तो क्या कि वाखिर तो जल्जला आ गया मैंने भी यही काम किया कि बेटों को कराया वजू उसके बाद खुद वजू किया और यकीन जाने वही टिश्यू पेपर लेकर मिरर को साफ़ किया पूरे वॉश बेसन को उसको साफ़ किया फिर एक दो ले के ज़मीन पर बाकायदा मैंने पाँव से और हाथ से जितना हो सकता था माफ किया बिल्कुल उसको वैसे ही कर दिया जैसे उसने हमको दिया था ऐसे करेंगे इस्लाम पर अमल तो ये किसी को बुरा नहीं लगेगा ये सोचना कि जी सारी दुनिया हमारी या पसंद गुंडा कर दी कर, करते फिरें इसके होटल में भी इसके होटल में भी तो ऐसी कोई सारी दुनिया हमारी नहीं है सलवाद पुणे बर मोहम्मद वाले में हूँ अब ये जो ज़ियाफ़त है अल्लाह व तआला की जानिब तो ये ज़ियाफ़त जो है वो दर हकीकत किस लिए है कल्ब की नूरानियत के हवाले से कि हम अल्लाह व के लिए काम करें माह रमज़ान में और ज़्यादा बरक़ात हैं और ज़्यादा रहमतें हैं और कल हमने डिस्कस किया कि अपने आप को अंडर ना किया जाए ये कहा जाए कि हम वही हैं कि जो सोलह सोलह घंटे कतरा पानी नहीं पीते और इसी नफ्स को कंट्रोल करने से और ज़्यादा नफ़्स में और कल्ब में नूरानियत होती है और दर हकीकत जो अल्लाह अल्लाबाना व तौला की ज़ियाफ़त है तो वो पकौड़ों की नहीं है वो पकौड़े और सारी चीज़ें तो सारी मखलूक के लिए हैं ये ज़ियाफ़त है कल्ब की नूरानियत की और जो सबसे अहम काम है वाजिब है वो है कि सही रोज़ा रखना और अदल और इंसाफ़ के साथ काम करना बाज़ दफ़ा रोज़े में लोग ज... बिल्कुल झक्की से हो जाते हैं तो ये कोई कमाल की बात नहीं है अपने आप को इंसान कंट्रोल करे अपनी जबान को कंट्रोल करे रोज़ा रखा है किसी पे कोई एहसान नहीं किया कोई हमारी इबादत किसी के लिए नहीं है किसी इबादत के बाद हमारा एटीट्यूड ख़राब नहीं होना चाहिए अकड़ नहीं होनी चाहिए इबादत की अल्लाह के लिए की हमसे क्या चाहते हो तुम तो? अनफासी है तस्वीर व नोम फी है इबादत कि तुम्हारे तुम्हारा सांस लेना इस महीने में अल्लाह सुबहाना हुआ ताला की तस्वीर जैसा है यानी अगर हम रोजे में सांस भी ले रहे हैं और वैसे भी सांस ले रहे हैं तो हमें सवाब मिलेगा इसका लेकिन कब कि जब सही रोजा है या अगर रोजा नहीं रख सकते तो जो हमारी जिम्मेदारी है असल मौजू है कि जो भी हम पर वाजिब है वो हम काम करें वह नी है इबादत और इस महीने में सोना इबादत है और मुराद ये नहीं है कि अब सो के गुजार दे रोजा यानी अगर बेहाल हो गए तो सोना इबादत है बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा जाता है कि रोजेदार की जो बू है मुंह की वो मलाइका के लिए खुशबू है तो इसके माना क्या है कि अपने मुंह में और बदबू डाल लें लहसन खा के करें ना यानी अगर बू आ जाए लेकिन क्या हम पे उस बू को बाकी रखना जरूरी है कि मलाइका खुश हो ना उस बू को खत्म करना जरूरी है ये जो गलत फहमी है लोगों की माह रमजान में कुल्ली नहीं कर सकते नहीं पानी निकल नहीं सकते जब महसूस हो बू है, तो कुल्ली करें। तो साइम। खुशबू बाज लोग नहीं लगाते खुशबू लगाना मुस्तहब है हत्या रोजेदार के लिए मुस्तहब है मिसवाक भी कर सकते हैं बस ये जो इंप्रेशन पड़ता है कि जी ऑफिस के अंदर एक मुसलमान आया हाल उसके खराब हैं कपड़ों में से बू आ रही है मुंह में से बू आ रही है क्योंकि रोजा रखा है वाखा नहीं इस्लाम की तोहही इंसान अप टू डेट होके जाए मुंह से खुशबू आ रही हो कपड़ों से खुशबू आ रही हो ये किसने कहा कि रोजेदार खुशबू नहीं लगा सकता अतीब तोहफत साइम इसी तरीके से इंसान खुल्ली करे आया ब्रश कर सकता है रोजे में बिल्कुल कर सकता है आया किसी भी लिक्विड से कि जो माउथ फ्रेशनर है उसको यूज कर सकता है बिल्कुल कर सकता है निगलना मना है लिहाजा ये जो दफा ऑफिस वगैरह में इम्प्रेशन पड़ता है कि जी वो एक मुसलमान रोजेदार दाखिल हुआ तो उसके जिसम से और मुंह से बदबू आ रही है बाखन नहीं इस्लाम की तो इंसान अच्छे तरीके से रहे हर एतबार से और ये देखे उस पर जिम्मेदारी क्या है अमल वकुम फ़ी है मकबूल उन व दुआकुम फ़ी है मुस्तज़ाब तुम्हारा अमल इसमें कबूल है लेकिन ऐसी ऐसा नहीं है कि अमल कबूल है यानी सारे अमल कबूल है हर अमल की शर्त है व मुस्तजाब उन सारी दुआएँ कबूल हैं क्या ना दुआओं की भी शराइत है वो दुआ जो अल्ला सुबहाना तआला को मंजूर है उसमें मसलहत है वो कबूल है अब अगर हमने दुआ मांगी कबूल नहीं हुई तो रिवायतों में यह है कि रोज़ क़यामत अल्लाह व तौला की जानब से जो नाम आमाल आएगा तो बहुत सारे लोग जो हैं ताजुब में पड़ जाएंगे कि ये कैसा नाम आमाल है हमने तो नहीं किए ऐसी नेकें नकियाँ तो जवाब मिलेगा वो दुआएँ जो तुम मांगते थे और कबूल नहीं हुई ये उन दुआओं के कबूल ना होने की वजह से ये सवाब मिला तुम्हें तो लोग कहेंगे काश हमारी कोई दुआ कबूल ना होती तो हमें कितना सवाब मिलता दुआ के माना यह है कि हम अल्लाह सुबाना व तौला की बारगाह में फ़कीर है हमारे हाथ में कुछ नहीं है ये जो जहन में आता है कि अल्लाह से हरबत मांगते रहें तो अल्लाह से हरबत ना मांगते रहें तो किससे मांगें एक दिन शैतान से मांगे एक दिन अल्लाह से मांगें ना हर वक्त अल्लाह से मांगना है लेकिन साथ में अमल भी करना है और खुदा वंदबारकवा कोम और आदिल मानना है कि वो सबसे ज्यादा इलम रखने वाला है सबसे ज्यादा हकमत वाला है साब हत है और सबसे ज्यादा अदल करने वाला है जो हमारे लिए मसलहत होगी तो वो कबूल होगा बसअल्ला रब बे नियातिन सदका बस तुम अपने रब को पुकारो सच्ची नीयतों के साथ बिन ताहरा और पाक कलबों के साथ अब पाक नीयत सदक क्या हो इंसान की साफ नीयत हो अपने लिए भी दूसरों के लिए भी बज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि यह अल्लाह तो मुझे इतना पैसा दे तो मैं इस गरीब की मदद करूँगा हम ये ऐसा क्यों कहते हैं हमें कहना चाहिए अल्लाह तो मुझे भी पैसा दे तो इसको भी दे दे यानी यहाँ पे हमारी नीयत क्या है कि ये फ़कीर रहे मुझे पैसा मिल जाए बाबा क्यों मिल जाए या अल्लाह तो इसको भी गनी फरमा मुझे भी ग़नी फरमा ना ही है कि यह अल्लाह तो इसको मोहताज रख ये गलत दुआ है हाँ ये कहा जा सकता है या अल्लाह तू मुझे क्योंकि अल्लाह की मसला है दुनिया में कुछ ना कुछ लोग तो गरीब रहेंगे या अल्लाह तू मुझे इतना दे कि मैं लोगों को दे सकूँ ये सही है लेकिन बाज़ा लोग कहते हैं दुआ करें अल्लाह मुझे दे तो मैं आपको दूंगा बाबा मैं क्यों ही दुआ करूं कि अल्लाह तुम्हें दे अल्लाह मुझे भी दे तुम्हें भी दे ये क्या बात है कि अल्लाह तुम्हें दे और मुझे ना दे ना मुझे भी दे तुम्हें भी दे दुनिया में भी दे और आखरत में भी दे काम ले सयाम ही व तिलावत किताब ही दुआ करो पाक दिल के साथ और ख़लूस के साथ सच्ची नीयत के साथ कि वन तबारक व कामयाब फरमाए किस में ले सयाम ही सुबहाना व ताल के लिए रोज़े रखें और तलावतें क़ुरान मजीद के लिए लेकिन जो असल वाजिब है वो सयाम है इसी वजह से वो हम अहकाम बयान कर रहे हैं सलबात पुरान पर महम्मद महम्मद माह रमज़ान की कुछ मुनासबतें मुनासबते हैं वो कल बयान करना रह गई थी तो कल की दो रमज़ान की मुनासबतों को हम बयान कर देते हैं वो है कि फ़तेह मक्का के लिए निकले बाज जगह है और माह रमज़ान की दूसरी तारीख़ को और बाद जगह ये है और आठ हिजरी और बाद जगह ये है कि दस रमज़ान को निकले अब फ़तेह मक्का के बारे में ये रहे कि सुरह हुदैबिया हुई थी और सुरह हुदैबिया का जो असल मौजू था कि हमारे दरमियान जंग नहीं होगी और जो हमारे हलीफ हैं उनके साथ भी जंग नहीं होगी लेकिन उसके बाद जो बनी खुजा थे वो मुसलमान थे उन पर हमला किया बनी बकर ने और क्रैश वालों ने उनका साथ दिया तो ये इस तरह से माहिदा टूटा और जब माहिदा टूटा तो फिर रसूल अल्लाह अल्ला वसलम लश्कर लेके गए फतेह मक् के लिए और एक तारीख़ के दो और एक तारीख़ के दस और दस की तारीख़ ज़्यादा मशहूर है और फिर उसके बाद फतः मक् हुई और इन शस्कस करेंगे एक कॉल के मुताबिक दो माह रमज़ान में शहादत हजरत फातमा सलाम भी हुई बिहार में एक कॉल है क्योंकि मुख्तलिफ़ अखबाल हैं और इसी तरीके से बनोमैया की हुकूमत का अख्ताम तो यहाँ पर भी डिस्कशन है कि आया दो रमज़ान ही में बनोमिया की हुकूमत ख़त्म हुई तो बाज़ इलाक़ों से ख़त्म हुई और मुख्तलिफ जगह इनका कत्ल आम होता रहा और यह भी जहन में रहे कि बनैया के बादशाहों को अहले सुन्नत खलफ़ा कहते हैं और उन्हें अमीरुल अमीराम भी कहते थे उन खलफा को उन अमीरुल अमीरामों को कत्ल किया बनवा अब्बास के खलफ़ा और अमीरामम ने और ऐसा कत्ले आम किया कि मुआविया और यजीद और मरवान उन लोगों की खबरें भी खोद दी और उसमें से जो गंद मिला उसे जला दिया लिहाजा बज दफा लोग समझते हैं कि शाम में मुआविया की खबर है ना उसकी कोई खबर नहीं है उसकी खबर को खत्म कर दिया था अहले सुन्नत के खुलफाए बनु अब्बास ने और जो गंद मिला था उसे जला दिया था सिर्फ एक कब्र छोड़ी थी किसकी मुआविया सगीर की याद रखें यह मुआविया कबीर था मुआविया बिन अभी सुफियान अलबत् इसकी विलादत के वक्त भी पांच लोगों ने दावा किया था लेकिन क्योंकि शक्ल मिलती थी अबू सुफियान से तो फिर ये मंसूब हुआ अबू सुफियान की जानब और हिंदा रहती थी अबू सुफियान के साथ तो ये माना गया अबू सुफियान का बेटा लेकिन दावा किया था मजीद और चार लोगों ने कब्र बाकी रह गई थी मुआविया सगीर की यानी यजीद के बेटे की कि जिसने तख्तोताज को छोड़ दिया था यह कह के मेरे दादा ने भी किया के ख़िलाफ़ और मेरे बाप ने भी किया सिर्फ वो कब्र रह गई थी वो आज भी बाकी है और चौदह सौ पंद्रह को एक मशहूर आलमदीन आयतुल्ला रूहानी किरमानी का इंतकाल हुआ दो माह रमज़ान में और तीन में तीन माह रमज़ान की जो मुनासबतें हैं उनमें से एक कॉल के मुताबिक नज़ुल इंजील हुआ और एक कॉल के मुताबिक शेख मुफीद के जो वाक़न मजहब कहल बैत के सुतूनों में से सतून थे उनकी वफ़ात हुई फोर हंड्रेड एंड थर्टीन में तमाम कराम मराज नज़ाम और खिदमत गुजारा ने अहिल खसूस शेख मुफ़ीद के दर्जा की बुलंदी के लिए बर बरमहमद व अल महमद सला अब तक जो मसाइल बयान हुए गसल के बयान हुए लेकिन ये फ़ाइनल नहीं हुए अब हम तफसील से इन बयान करेंगे पिछली दफ़ा जो बयान किए हैं वो सिर्फ़ इस वजह से बयान किए हैं कि अगर किसी के पास अगर किसी को कन्फ्यूजन हो गसल के तरीक़े में तो वो कम से कम थोड़ा सा तो क्लियर हो जाए और तरीक़ा आ जाए लेकिन ये कम्प्लीट मसाइल नहीं है इसी तरीके से कल हमने कुछ वज़ू के बारे में दिखाया तो वो भी मुकमल मौजूआत नहीं हैं खुद वज़ू की बात शरात हैं और इसी तरह से बीमार का वज़ू कैसे होगा और मख्तल तरीक़े तो वो इन श्ला तफ़ी के साथ और वज़ू की शराइत क्या है और वजू किन चीज़ों से बातिल होता है मसला मिसाल के तौर पर जो निजास्त इंसान से ख़ारिज होती है चाहे वो फजला हो और चाहे वो पेशाब हो इसी तरीक़े से जो हवा ख़ारिज होती है मैदे की इसी तरह से अगर कोई सो जाए सोना भी कैसा कि अगर आंख ऐसे भारी सी हो गई और आवाज़ें आ रही हैं तो इससे वजू बातिल नहीं होगा लेकिन अगर ऐसे सो गए कि ना आंख देख रही है और ना कान सुन रहे हैं कान सुन रहे हैं तो रोज़ा बातिल नहीं होगा लेकिन कान भी नहीं सुन रहे हैं माजरत कान सुन रहे हैं तो वजू बातिल नहीं होगा लेकिन अगर कान नहीं सुन रहे हैं तो वजू बातिल हो जाएगा तो कुछ और मौजूद हैं इंशाल्लाह वो बाद में बयान रोजे के हवाले से एक दो तो चीज़ें बयान करें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है किसी का अगर दांतों का अपॉइंटमेंट है तो दांत निकलवा सकते हैं क्लीनिंग भी करवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा यह है कोई ऐसा काम करना जिससे मुंह में खून आता हो यह मकर है मकरू के क्या माना है ना करें तो बेहतर है लेकिन कर लें तो कोई हर्ज नहीं है बस अगर किसी ने दांत निकलवाया मिसाल के तौर पर वो रूट कैनाल वगैरह या कोई भी ऐसा मौजूद था क्या दो सूरत है या तड़पता रहे या क्या करे रोजा ना रखे नहीं तड़पना भी नहीं है और रोजा भी रखना है यानी जो आपको अपॉइंटमेंट है हाँ अब अगर शदीद दर्द है कि जिसके लिए पेन किलर खाना जरूरी है नाकाबिले बर्दाश्त तो फिर वो अलग मौजू है लेकिन हाँ दर्द है अब आया रोजे में वो दवा लगा सकते हैं उसको नम करने के लिए वो भी लगा सकते हैं निकलना नहीं है बस अब आप डॉक्टर के जाए खून अगर मुंह में आ गया तो यह मखरू है इसको आप जानबूझ के निकलेंगे तो रोज़ा बातिल होगा और अब वो सकिंग पंप लगे होते हैं किसी कस्म का मुंह में कुछ नहीं जाता है और आप ज़्यादा एक्स्ट्रा उससे कह सकते हैं कि जी सीधे होके मैं अपने हाथ से सकिंग करूंगा और अपने हाथ से टिश्यू पेपर से पहुँच लूंगा तो कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है इसी तरीके से आया कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ब्लड डोनेट करना इतना कि जिसके बाद कमजोरी हो जाए तब जाके मकरू है बस अगर आपके पास दो ऑप्शन हो जैसे कि पाकिस्तान वगैरह में दो ऑप्शन होते हैं चाहे ब्लड अभी दे दो तो आपके पेशेंट को दे देंगे चाहे ब्लड रात को दे दो तो अगर हमें ब्लड देने के बाद क्योंकि जब ज़्यादा सीसी में ब्लड दिया जाता है तो इंसान को थोड़े से चक्कर आते हैं तो अगर थोड़े से चक्कर आए और बैठना पड़ा तो क्या है मकरू है हराम नहीं है अगर किसी का पेशेंट है और वो लोग कह रहे हैं कि आप पहले एक बोतल खून दें फिर हम आपको देंगे तो आप रोजे के जमाने में दे सकते हैं चाहे हत्ता चक्कर क्यों ना आए। आया ब्लड दे सकते हैं लेबोरेटरी में जाके वो भी दे सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है तो ये बिल्कुल एक गलत चीज मशहूर हो गई है परफ्यूम लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं लोग बस दफ़ा कहते हैं अल्कोहलिक परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए तो मैं मज़ाक में कहता हूँ कि हम तुम्हें इतर दे देंगे वो फरतोस वरतोस जो भी तुमको चाहिए हो अगर तुम्हारे पास कोई ब्र, ब्रांडेड परफ्यूम है हमें दे दो हम नज़िस लगा लेते दे। हैं देखें अल्कोहल जो है ये जाहिलों वाली बातें जो दीगर मजाहब से आ रही हैं परफ्यूम में जो अल्कोहल है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है जो पाक है परफ्यूम में कोई विस्की या शैम्पियन नहीं डलती है क्योंकि अल्कोहल के दो मान हैं एक इंडस्ट्रियल अल्कोहल इथाइल मिथाइल और एक वो जो पीने पिलाने की होती है मसन कोई तो किसी भी परफ्यूम में कोई शैम्पियन या बियर या मसन वो चीज़ें नहीं डलती हैं ये लफ्ज़ एक है कैफियात दोनों की अलग अलग है इंडस्ट्रियल अल्कोहल का फतवा अब से नहीं कम से कम सत्तर अस्सी सौ साल से हमारे उलमा और महाराजे का है कि वो पाक है बस परफ्यूम हो या पॉलिश हो या डिओड्रेंट हो या कोई भी स्प्रे हो या कोई भी पॉलिश हो के जिसके अंदर इंडस्ट्रियल एल्कोहल है या सब पाक हैं फिर मैं मजाक में यही कहता हूँ अभी भी किसी का दिल मुतम नहीं है तो वो जो अच्छे वाले ब्रांडेड हों वो हमें दे दें हम नजस लगा लेते हैं तो फिर हम आपको पाँच पाँच रुपए के पाँच पाँच वो दो दो डॉलर के जो है ना वो हैना के और खस के वो दे देंगे सलवा पड़े पर मोहम्मद वाले में अलबत् ये मज़ाक की हद तक है ताकि लोग इसको सीरियस लें कि ये अल्कोहल वाला मौजूद ऐसा नहीं है आज कुछ आज मसाइल जो है नमाज के बयान कर देते हैं ने, 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 ने। और रोज़ों के अभी साथ में चलते रहेंगे क्योंकि ये मसला जो पेशेंट वग़ैरह के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि लोग अपना लेबॉट्री टेस्ट नहीं कराते ब्लड नहीं देते डॉक्टर के पास नहीं जाते तो इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है दांतों के बारे में बस जहन में रहे कि जानबूझ के नहीं निकलना है और आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है आप डॉक्टर से कहें और बार बार ऐसे सीधे बैठें और उसको साफ़ कर लें क्योंकि हमने देखा है कि बज़ दफ़ा लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं और या रोज़ा छोड़ते हैं या फिर दांत का दर्द बर्दाश्त करते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप लोग बाद में पूछते रहें तो उससे खुद बखुद जो है वो मौजू से मौजू भी निकलते हैं रोजों से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो आप ज्यादा पूछें इनशाला रोजों के बारे में हम तफसील से इन मौजूद को डिस्कस करेंगे सफर के बारे में सिर्फ तवज्जो दिलाएं कि अगर कोई जहर के बाद सफर करता है तो उसको रोजा रख के निकलना है यानी फर्ज करें यहाँ से एडमिंटन जाते हैं जहर के बाद तो आपको रोजा रखना होगा फिर जाना होगा लेकिन अगर आपको निकलना है सुबह आठ बजे या नौ बजे तो ये जो बाज लोग नाश्ता करके निकलते हैं ये हराम है उस दिन रोजा रखना होगा रोजे की नियत करनी होगी और फिर सफर पे निकलना होगा फिर जब तकरीबन आप शहर से 30-35 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे कम से कम साढ़े बाईस वरना कम से कम वरना समझे 30-35 किलोमीटर जब शहर की हदूस से निकल गए अब ऑटोमेटिकली आपका रोजा खत्म हो जाएगा ना ये कि आज क्योंकि आपको जाना था तो आप नाश्ता करते रहे आराम से सात आठ बजे तक ना ये जायज नहीं है रोजा रखना होगा यही हाल है अगर फ्लाइट किसी की जहर से पहले अब फर्ज कर लें कि जहर से पहले फ्लाइट है आपको रोजा रखना होगा और आप जाके एयरपोर्ट बैठे और फ्लाइट चार घंटे कैंसिल हो गई और तीन बजे हो गई बाद जहर क्या होगा अब आपका रोजा बिल्कुल सही है अब क्योंकि आप अपने शहर में जहर के बाद सफर कर रहे हैं तो अब आपको रोजा रखना होगा लेकिन अगर आप 9-10 बजे फ्लाइट से निकल गए तो जैसे ही आप शहर से बाहर निकलेंगे तो आपका रोजा खत्म हो जाएगा अब आप खाएं या ना खाएं रोजा खत्म हो गया है लेकिन रोजा रख के निकलना है ये बहुत बड़ी गलत है कि लोग रोजा नहीं रखते और जो रोजा नहीं रखते उनको कता उसका गुनाह मिलेगा और कजा भी है और कफारा भी है माह रमजान के रोजे की नीयत तीस के तीस रोजों की नियत साथ कर ली जाए इसी तरह से अभी आप जहन में रख लें कि मुझे सारे रोजे रखने हैं और माह रमज़ान के रोजे की नियत जो है वो फजर से पहले होती है और किसी ने अगर सहरी बनाई या सहरी खाई या सहरी के लिए अलार्म लगाया तो ये खाना या अलार्म लगाना या पकाना या कुछ लाना कि मैं कल रोज़ा रखूँगा यही नीयत है और काफ़ी है इसके लिए कोई दुआ नहीं है रोज़ा खोलने की कोई दुआ नहीं है वो बाकी मुस्तबात हैं रोजा रखने की कोई दुआ नहीं है कोई नियत नहीं है ये आपके जहन में है, कल मैं रोजा र... आज मैं रोजा रखूंगा यही नियत है कोई इसके लिए खास नियत नहीं है सलबात पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद आज प्रैक्टिकली कुछ मसाइल जो है नमाज के आपको बता देते हैं और बल्कि अभी आपको थोड़ी सी नमाज के बारे में बता देते हैं ताकि पता चले कि वाजबात क्या हैं बाद में हम आपको तफसील से बताएंगे नाम ले लेके कि वाजबात क्या हैं मुस्तहबात क्या हैं फिर वाजबात रुकनी क्या हैं और वाजबात गैर रुकनी क्या हैं वाजबात रुकनी वो हैं कि जो आप जानबूझ के छोड़ें या भूले से छोड़ें नमाज बातिल मिसाल के तौर पर रुकू यानी बगैर रुकू किए सजदे में चले गए नमाज बातिल लेकिन सूर हमद अगर छोड़ दी या सूर तोहिद छोड़ दी और रुकू में चले गए जान, जान बूझ के तो नमाज बातिल लेकिन अगर सूर हमद या सूर तोहिद आपने छोड़ दी और रुकू में चले गए भूल के तो अब नमाज बातिल है, अब नमाज बातिल नहीं है कहा जाएगा ये गैर रुकनी है यानी अगर गलती से छूट गई तो कोई बात नहीं है वो रुकनी है चाहे गलती से छूटे चाहे जान को छूटे नमाज बातिल है बस मुस्तहबात के बारे में पता होना चाहिए वाजबात के बारे में पता होना चाहिए क्यों पता होना चाहिए मुस्तहबात कता अंजाम दें बहुत सवाब है लेकिन कभी अगर फजर में फ़कत चार मिनट रह गए हों तो मुस्तहबात को अंजाम देना जायज़ नहीं है अजान अकामत उस वक्त जायज़ नहीं होगी कि अजान अकामत अगर आपने दी तो नमाज निकल जाएगी कज़ा हो जाएगी बस नमाज शुरू होती है किससे तकबीरतराम से इंसान बिल्कुल ठहर जाए और नीयत हो अब नीयत के बारे में ये ना जहन में आए कि बाज दफा लोग कहते हैं मैं 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 नमाज पढ़ता हूं मैं 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 नमाज पढ़ता हूं ना बाबा आप ही नमाज पढ़ रहे हैं अबा नहीं पढ़ रहे नमाज पे मुंह पे लाने की जरूरत नहीं है किसी ने आयतुल्ला बुरजर्दी से सवाल किया कि मुझे बहुत देर लगती है और बहुत शक होता है तो आगबुजर्दी ने कहा तुम नियत कर लिया करो कि मैं नमाज से बादल पढ़ता हूँ वाजिब परबत लिहाजा ला ला। ईरान में एक लतीफ़ा मशहूर है कि एक आदमी ने कहा कि मैं नमाज मैं नमाज अल्लाह अकबर मैं नमाज अल्लाह उसके बाद उसने नियत कर ली अल्लाह अकबर तो बाद में कहा कि हाँ अब हो गई नीयत यानी अब जैसी उसने जुमला कहा कि हाँ अब हो गई नीयत हला शुद्ध अब बातिल हो गई नमाज तो लिहाजा नीयत को इतना मसला ना बनाएं बस ये जो इरादा है कि ये मैं जहर की पढ़ रहा हूँ किसकी पढ़ रहा हूँ अपनी या अपने अब्बा की मरहूम की कज़ा किसकी है मेरी आज की है या कल की कजा है आज की है चार रखत है कि दो रखत है अभी चार रखत पढ़ रहा हूं मैं सफर में नहीं हूँ दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए अल्लाह अल्ला अकबर यही नीयत है ये नीयत है और अल्लाह अकबर ये तकबीरतराम अब क्या हाथ उठाना वाजिब है ना बर्स करें कोई कहता है मैं नमाज नमाजार पढ़ता हूँ नीयत की अल्लाह वक्र बिस्मिल्लानरिम नमाज़ सही है नमाज उसकी सही है अब दो रगत नमाज हम आपको ऐसी दिखाते हैं बाद में जरा प्रैक्टिकली भी दिखा देंगे बाज़ चीज़ें क्योंकि बाद दफ़ा लोग थोड़े थोड़े मसाइल जानते हैं उसके बाद वो दूसरों को तंग करते हैं दीनदार हो के बहुत तंग करते हैं लोग मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है हम दीनदार नहीं हैं यानी दीनदार से मुराद वो वाले ठेकेदार जो बन जाते हैं ना एक चीज आ जाती है इसको भी छेड़ो इसको भी छेड़ो कमाल यह जिस चीज पे छेड़ रहे हैं वो वाजिब है ही नहीं तो एक तकबीर के बाद क्या बिस्मिल्ला। बिस्मिल्ला के बाद एक सूरह हम्द। सूरह हम्द के बाद एक छोटा कोई भी उसके बाद क्या करना है रुकू में गए रुकू में क्या पढ़ना है तीन दफा सुबहान 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 अल्लाह काफी है या एक दफा सुबहान रबीम वमदे अब उसके बाद सर उठाया रुकू से वापस सजदे में सजदे में जाने के बाद क्या पढ़ना है सुबह अल्लाह सुबहानल्लाबहान अल्लाह अल्लाह या एक दफ़ा सुबहान रबी वमदे सलवा मु, मुस्तहब है नमाज में जो सलवार वाजिब है वो एक वाजिब है वो कौन सी वाजिब है अगर दो रखती है तो तशाह में और अगर चार रखती हो तीन रखती है तो एक तशाह में दूसरी रकत में और एक आखिरी रकत में वो वाजिब है हाँ अब आप जितनी ज्यादा सलवार पढ़ें बड़ी अच्छी चीज है लेकिन हम क्या कह रहे हैं जब वक्त कम है अब दो सजदे करने के बाद खड़े हो गए हम और दूसरा सूरह और दुआत आया वाजिब है या नहीं है एक दफा आपने सलबार पढ़ ली ये भी वाजिब नहीं है मुस्तहब है फिर उसके बाद रुकू और उसके बाद सजदा आया समय हमेदा वाजिब है वाजिब नहीं है व बेहुल्ला वाजिब है वो भी वाजिब नहीं है पसा क्या दो रकत नमाज आपके सामने हम ऐसी पढ़ के आपको दिखा देते हैं बिस्मिल्लाह नमाज़ की नीयत की अल्ला अकबर बसमान रहीम सूरह हमद बिसम राहर रही सूरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर ये भी वाजिब नहीं है लेकिन सीधे हो गए उसके बाद सजदे में गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर उसके बाद सीधे हो गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये जो बीच में अस्तफ़रल है रबी व अतुबल ये भी वाजिब नहीं है अब उसके बाद जो है बेहुल वखुवत ही ये भी वाजिब नहीं है खड़े हो गए फिर उसके बाद एक सूर हम और सूर और कनूत पढ़ना चाहा तो अल्लाह सु, सु, कह दिया ये अल्लाह महमदम वाल महमद अल्ला फिर रुकू में गए अल्लाह अल्लाह सुबहानल्लाबहान अल्लाह उसके बाद समय अल्लाह उमदा खड़े होकर कहना है लेकिन ये वाजिब नहीं है ये हम क्यों बता रहे हैं ताकि अगर वक्त कम है तो इन चीज़ों का ख़्याल करें फिर उसके बाद सजदे में गए तीन दफ़ा सुबह ला अकबर सीधे थोड़ा सा हुए बिल्कुल ऐसे नहीं कि बीच में ऐसे हुए और ऐसे ही चले गए सीधे हुए फिर सिजदे में गए सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह अल्लाह फिर सीधे हुए शरीक अल्लाशरी व अशतल महमदन अब्दू रसूलू अल्ला महमदूआ महमद अल्लाम वरम वबरकू क्या हो सकता है असलम वरहल वबरकू ये दो जो शुरू के हैं वो छोड़े जा सकते हैं कब के जब वक्त की कमी है

यानी आपने कहा अलैकुम व लबरको व फौरन उठ के चले गए फ़र्ज़ करें कोई गिर रहा था फ़र्ज़ करें खुद किसी को वॉशरूम जाने की हाजत हो रही है तो क्या अल्लाह अकबर ये वाजिब है ना ये मुस्तहब है कितना कितना टाइम बाकी है क़िबला भी? सात मिनट हैं। तो जिनको वजू करना हो तो बीच में बेशक वो लोग उठ जाइएगा अब आज सिर्फ जो है वो क्याम का तरीक़ा बता देते हैं क्योंकि मुस्बा में और वाजिबा में फ़र्क होना चाहिए वरना फिर वही होता है जिसको थोड़ा सा पता चल जाता है वो छिड़ता रहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो तुम ये गलत कर रहे हो सलबार पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद जो है इस पर ज़्यादा तोज्जो रहे बल्कि हमारे पूरे जिसम को कर दीजिएगा देखिए क़याम जो है ना मुख्तलिफ तरीक़े के हैं एक है क़याम तो लहराम के वक्त एक क़याम है सूर् हमद और तिलावत के वक्त एक है क़याम रुकू से पहले और ये वाजिब है इस कयाम के क्या माना है मिसाल के तौर पर हमने सूर्य हमद को ख़त्म किया कुफो वन अहद नमाज बातिल हो जाएगी कुफो वन अहद एक चंद लहजे का क्याम करना है फिर एक क्याम है रुकू के बाद रुकू से हम ऐसे हुए और में तो नहीं इस तरह से सीधा होना है फिर जाना है बेशक कुछ ना पड़े लेकिन सीधा होना है ये दो अलग अलग चीजें समय अल्लामन हमेदा जब हम कहते हैं समल अल्लामन हमदा तो वह क्याम हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है लेकिन फ़र्ज़ करें कि हम रुकू से सीधे इतना सा हुए चले गए और समय अल्लामन हमेदा हमने नहीं कहा तो भी सही है क्योंकि हमने एक लहजे का क़याम किया है तो तकबीराम तो के वक्त इंसान का जिसम जो है वो ऐसा ना हो के इधर उधर देख रहा है बात कर रहा है और किल्ल अकबर ना बिल्कुल रुका हुआ होना चाहिए अब ये क्याम किस सूरत में हो तो जो मुस्तहब तरीक़ा है वो बता देते हैं हम लेकिन ये वाजिब नहीं है तो बेहतर क्या है कि मर्दों की अव्वल तो टाँगें सीधी हों ज़्यादा से ज़्यादा तीन उंगली उंगली का डिस्टेंस हो ओ सॉरी मिनिमम तीन का हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश का ये जो हमारे यहाँ बाज़ दीगर मजाहब को देख कर ऐसे खड़े होने लगे हैं ये बिल्कुल भी तालीमत कुरान तो अहल के मुताबिक नहीं है हाँ अगर कोई बहुत मोटा है बहुत बड़ा है बहुत उसकी हाइट है वो भी जैसे चाहे खड़ा हो लेकिन बिल्कुल ऐसे करके जो खड़े होने लगे हैं लोग वो बिल्कुल तरीक़ा तालीमत कुरान अहल बैत के ख़िलाफ़ है नॉर्मल तरीक़े से खड़ा होना है नॉर्मल तरीक़े से हम दुनिया में कहीं भी लाइन में खड़े होते हैं या ऑफिस में खड़े होते हैं या किसी भी फ्रंट डेस्क पर खड़े होते हैं कैसे खड़े होते हैं कोई ऐसे खड़ा होता है ये ख़ास सल्फियों और बहावियों का तरीक़ा है और इसको बिल्कुल फॉलो ना करें तालीमत कर्न अहल बैत और अकल और उर्फ़ के ख़िलाफ़ है क्योंकि नमाज़ में सुबाना ताला ने कहा है खड़े हो जाओ बस ये सिंपल खड़े हैं काफ़ी है अब एक मस्तहब तो यह है कि तीन उंगुल का फ़ासला हो मर्दों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश का ख़्वीन के लिए बेहतर है कि मिला भाओ ये मस्तहब है लेकिन अगर ख़वान बहुत ज़्यादा भारी हों और उनका बैलेंस ख़राब हो और गिरने का खतरा हो तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए पता चलो कि बहुत मोटी खातून हो और ऐसे खड़े हो कि गिरने का उनको खतरा हो तो खत नहीं ये काम ना हो उसके बाद एक मस्तब क्या है कि ये हाथ जो हैं वो इस तरह से यहाँ पर हों और कंधे ज़रा झुके हुए हों कंधे झुके हुए से मुराद ये नहीं कि इंसान कमर झुका ले कंधे झुके हुए हों यानी एक कैफियत ये है एक कैफियत ये है ये मस्तहब है और निगाह जो है वो सजदगा की जाने वो ये मस्तहब है ये हमने पहले बता रहे हैं अब फ़र्ज़ करें एक आदमी बहुत मोटा सा आए इस तरह से खड़ा होता है क्या हो जाएगा क़्याम बिल्कुल उसका हो जाएगा एक आदमी इसी तरह मुस्तहब है कि जो वेट है दोनों पे बराबर हो तो ये सब चीजें जो हैं मुस्तहबात में हैं जिसको ये पता चल जाता है वो सारी दुनिया को तंग करता है कि जी तुम्हें तो सजदगा की जाने देखना चाहिए नहीं चाहिए नहीं मुस्तहब है बस अगर कोई नहीं देख रहा फर्ज करें कि ऐसे देख रहा है आपको भी ऐसे ऐसे आंखों से देख रहा है नमाज हो जाएगी उसकी बिल्कुल हो जाएगी मुस्तहब है कि ऐसे देख रहा हो सजदगा की जाने को लेकिन अगर ऐसे देख रहा है बिसम आरहदिल्ल रबी और हो जाएगी नमाज़ हो जाएगी कोई इस तरह से खड़ा है नमाज़ हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी किसी के हाथ ऐसे खुले हुए हैं बाज़ लोग हैं उनके हाथ मोटापे की वजह से नमाज़ हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी दोनों पाँव पर बराबर वेट नहीं है ऐसे है थोड़ा सा हो जाएगी हो जाएगी बस जिसम में हरकत ना हो अब अगर जिसम में हरकत हो तो क्या करें फ़र्ज़ करें कोई कीड़ा गुजर गया या फ़र्ज़ करें कि एकदम से जो है वो हमें मूवमेंट की ज़रूरत पड़ गई तो क्या कर सकते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं उसका तरीक़ा यह है कि फ़र्ज़ करें हम सूर्य हम पढ़ रहे हैं और हम पहुँचे एहदिन मुस्तकीम तो हमें कुछ करना था फ़र्ज़ करें फ़र्ज की बात यह कोई कीड़ा आ गया या कोई बच्चा बिल्कुल आ गया और हमें ख़तरा है इसका पाँव न दब जाए तो हमने क्या कियादिन सरअतलमस्तकीमी उस चीज़ को हटा दिया या कुछ भी कर लिया छोटा सा काम है फिर दोबारा हो गए सरातल लजीन अन अम उस वक्त हमें रोक देना है और इस काम को अंजाम दे देना है इसी तरीके से नमाज के दरमियान फ़र्ज करेंगे जी बच्चा गिर रहा है या कुछ और चीज़ हो गई या कि एक बच्चा से का उठा के ले जा रहा है हमने कहादेन मुस्तकीम उसके हाथ से चीज़ ले ली सरातल लजीन अन तो इतनी हरकत हो सकती है लेकिन उस वक्त ज़िक्र को या जो भी तिलावत हो रही है उसको रोकना होगा बस ये मुस्तहबात हैं बाकी जैसे चाहे खड़े हो जाएं, काफ़ी है इसी तरीके से जो बैठने का मसला है उसको इनशाला कल डिस्कस करेंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और तोफ़ी दी और जो कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे